सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ड्रामे की स्टार्टिंग में हम जिनी और किम जाओ नाम के एक कपल को देखते हैं जो कि काफ़ी खुश थे। एक्चुअली में इनकी लॉटरी लगी थी, इन्हें काफ़ी सारे पैसे मिले थे। वेल दोनों के दोनों काफ़ी खुश थे, जिसके चलते दोनों के दोनों एक दूसरे को काफ़ी सारा प्यार करते हैं और वहीं पर इंटीमेट होना शुरू कर देते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ हम ड्रामे की फीमेल लीड रिन को देख पाते हैं जो कि क्लब में मौजूद थी। यहाँ पर रिन के साथ एक वांग नाम का दुष्ट आदमी ज़बरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था। रिन अपनी जान बचाने के लिए तुरंत ही वांग के सर पर एक कांच की बोतल दे मारती है और तुरंत ही वांग के रूम से भाग जाती है। वेल रिन ने भले ही वांग के हाथों अपनी जान बचा ली हो, लेकिन जैसे ही रिन थोड़ा आगे भागती है कि तभी अचानक से रिन को कोई अपने रूम में खींच लेता है। वेल यहाँ पर रिन को खींचने वाला अपने रूम में और कोई नहीं, हमारे इस ड्रामे का मेन लीड योंजू है। यहाँ पर हम देखते हैं कि योंजू काफ़ी नशे की हालात में है, जिसके चलते योंजू भी रिन के साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करता है। लेकिन देखते ही देखते रिन को भी अचानक से नशा चढ़ना शुरू हो जाता है, जिसके चलते इस बार रिन भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और दोनों के दोनों साथ में इंटीमेट होना शुरू कर देते हैं। वेल अब जब रिन की आंखें खुलती है तो यहाँ पर योंजू स्टिल सोने में लगा हुआ था और रिन नहीं चाहती थी योंजू को उसके बारे में कुछ भी पता चले, जिसके चलते योंजू के उठने से पहले रिन वहाँ से तुरंत ही भाग जाती है। वेल अब इसके बाद रिन फ्लैशबैक में जाती है कि किस तरह से वो क्लब में आई थी। वेल एक्चुअली में रिन अपनी बेस्ट फ्रेंड जिनी के साथ क्लब में आई हुई थी वांग से बात करने के लिए। स्टार्टिंग में जिनी ने वांग को एज अ क्लाइंट रिन के सामने इंट्रोड्यूस करवाया था और रिन के अकॉर्डिंग वो वांग के साथ सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। लेकिन रिन को इतना नहीं पता था कि उसी की बेस्ट फ्रेंड उसे धोखा दे देगी और रिन के ड्रिंक में नशे की गोलियाँ मिलाकर तुरंत ही उसे वांग के हाथों पैसों के बदले सौंप देगी। वेल यहाँ पर रिन को अपनी बेस्ट फ्रेंड के हाथों ही धोखा खाते हुए काफ़ी बड़ा झटका लगा था। लेकिन वेट वेट, रिन को अभी एक और बड़ा झटका लगने वाला है। वेल यहाँ पर रिन जिनी से सारे सवालों का जवाब देने के लिए जिनी के घर तक जाती है, लेकिन गेट पे पहुँचते ही रिन नोटिस करती है कि जिनी किसी आदमी से बात कर रही है और ये आदमी और कोई नहीं किम जाओ था, जिसे देखते रिन काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि किम जाओ को देखकर रिन क्यों शॉक्ड हुई। एक्चुअली में रिन पास्ट में किम जाओ से शादी करने वाली थी, यानी कि किम जाओ रिन का फियांसे था, लेकिन किसी रीजन की वजह से किम जाओ की डेथ हो गई, जिसके चलते रिन और किम जाओ की शादी नहीं हो पाई। और यही मेन रीज़न है कि क्यों रिन अभी शॉक्ड में थी, क्योंकि रिन के अकॉर्डिंग तो किम जाओ मारा जा चुका है। वेल ऑफ कोर्स इस बारे में पता चलते ही रिन को डबल ट्रिपल झटके लगते हैं, क्योंकि भले ही किम जाओ ने पैसों के लिए रिन से प्यार किया, लेकिन जिनी तो रिन की बेस्ट फ्रेंड थी ना। उल्टा जिनी ने रिन के फियांसे को डेट करा, वहीं पर दूसरी तरफ जिनी ने पैसों के बदले में रिन को एक इतने गंदे शैतान के हाथों बेच दिया। वेल ये सब कुछ देखने के बाद रिन काफ़ी गुस्से में जिनी के रूम में घुसती है, जहाँ पर जिनी और किम जाओ को मालूम पड़ गया था कि इनका पर्दाफाश हो चुका है और ये किसी भी कीमत पर ये बात बाहर लीक नहीं करवाना चाहते थे, जिसके चलते किम जाओ खुद अपने हाथों से रिन को नाइफ से स्टैब कर देता है। वेल अब इसके बाद जिनी और किम जाओ मिलकर रिन की बॉडी एक तालाब के अंदर डाल देते हैं, जहाँ पर तालाब के अंदर डालते टाइम जिनी रिन को यही सलाह देती है कि नेक्स्ट टाइम जब वो बॉर्न हो तो थोड़ा चलाक बन के हो, क्योंकि हर कोई उसको ऐसे ही बेवकूफ़ बना लेगा। वेल अब सीन सीधा 9th मंथ में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम रिन को देख पाते हैं जिधर रिन का डिलीवरी चल रहा था। वेल ऑफ कोर्स यहाँ पर हमें दो चीज़ों का मालूम पड़ता है कि जिनी के मानने के बावजूद भी रिन अभी भी जिंदा है, वहीं पे दूसरा ये कि रिन जिस बच्चे को भी पैदा करने वाली है वो योंजू का बच्चा है। लेकिन खैर, रिन यहाँ पर एक बहुत ही क्यूट सी बेबी गर्ल को बॉर्न करती है, जिसे देख कर रिन काफ़ी खुश थी। यहाँ पर रिन डॉक्टर से पूछने लगती है कि आपने तो कहा था कि मेरे ट्विन्स होंगे, तो दूसरा बच्चा कहाँ है, जिस पर डॉक्टर काफ़ी निराश होकर रिन को बताता है कि एक्चुअली में दूसरा बच्चा थोड़ा लेट पैदा होने की वजह से मारा गया। वेल ऑफ कोर्स रिन को अपने पहले बच्चे की काफ़ी खुशी थी, लेकिन दूसरा बच्चा मर जाने की वजह से रिन काफ़ी दुखी भी थी। वेल अब ड्रामे में एक बार फिर से स्केप आता है, वो भी सीधा 5 साल का। वेल एक बार फिर से हम रिन को देख पाते हैं, जहाँ पर रिन अभी अपनी बेटी के साथ थी। यहाँ पर रिन की बेटी कम से कम 5 साल की हो चुकी थी, जहाँ पर रिन की बेटी का नाम है यांग। वेल रिन काफ़ी टाइम बाद अपने होम टाउन वापस आई थी, सिर्फ और सिर्फ जिनी और किम जाओ से बदला लेने के लिए। यहाँ पर रिन इससे पहले भी इनसे बदला ले सकती थी, लेकिन ऑफकोर्स रिन के हाथों में उसकी बेटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और रिन किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को सफ़र नहीं करवा सकती थी। वेल भले ही रिन का पास्ट अच्छा ना हो, लेकिन हाँ, रिन अपना फ्यूचर पास्ट की वजह से ज़रूर अच्छा बनाएगी। रिन अपने पास्ट से जो कुछ भी सीखी है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगी और साथ ही साथ जिनी और किम जाओ को उनकी औकात दिखा के रहेगी। वेल रिन जिनी और किम जाओ के बारे में सोच ही रही थी कि इतने में यांग की नज़र एक टेडी बियर पर पड़ती है, जिसके साथ खेलने के लिए यांग तुरंत ही वहाँ से चली जाती है।
वहीं पर दूसरी तरफ हम एक ओल्ड लेडी को देख पाते हैं जो कि काफ़ी सारे गार्ड्स के साथ मिलकर अपनी पोती को ढूंढने में लगी हुई थी। वेल यहाँ पर उस ग्रैंड माँ की पोती का नाम था यूली, जिसने बिल्कुल ही सेम टू सेम यांग की तरह कपड़े पहने हुए थे। यहाँ पर यूली की भी नज़र उस टेडी बियर पर पड़ती है, जिसके चलते यूली और यांग दोनों के दोनों मिलकर टेडी बियर के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर यूली और यांग की सिर्फ और सिर्फ ड्रेस सेम नहीं थी बल्कि उनकी शक्लें भी सेम थी, जिसके चलते जैसे ही रिन यूली को देखती है तो तुरंत ही उसको अपनी बेटी समझकर अपने साथ अपने घर लेके चली जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर यूली को रिन को देखने के बाद अपनी मम्मी वाली फीलिंग आ रही थी, जिसके चलते यूली भी रिन को कुछ नहीं कहती और चुपचाप से रिन के साथ उसके घर तक चली जाती है। वेल यूली तो रिन के साथ चली गई कि तभी इतने में ग्रैंड माँ की नज़र यांग पर पड़ती है, जहाँ पर ग्रैंड माँ यांग को यूली समझकर उसे अपने घर लेके चली जाती है। यहाँ पर कन्फ्यूजन की बात यह है कि यांग और यूली एक जैसे कैसे दिख सकते हैं, और इस चीज़ का डायरेक्टली मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि रिन ने ट्विंस को ही पैदा किया था, बट कुछ रीजंस की वजह से डॉक्टर ने रिन से झूठ कहा और उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही बेटी सौंपी। और डॉक्टरों ने ये सब कुछ क्यों करा, इस चीज़ के बारे में तो हमें ड्रामा आगे देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा। तो अभी तक की एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप ऐसी ड्रामा और भी ज़्यादा देख सकें। मतलब आगे रिन और यूली दोनों के दोनों घर पहुंच चुके थे, जहां पर रिन को यूली का बिहेवियर थोड़ा सा अजीब लगता है। वेल ऑफ कोर्स भले ही दो इंसानों का शक्ल सेम क्यों ना हो जाए, लेकिन उनके बिहेवियर में डिफरेंस तो आता ही आता है। लेकिन रिन यूली को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, रिन को लगता है कि शायद से वही ज़्यादा सोच रही है। रिन का भी मेन फोकस था जिनी और किमजाओ को सबक सिखाना, जिसके बाद रिन यूली को घर में छोड़कर तुरंत निकल जाती है ऑफिस के लिए। और यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि रिन काफ़ी अच्छी कंपनी में काम करती है, और काम नहीं करती बल्कि रिन उस कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट है। मतलब सीन शिफ्ट होता है ग्रैंड माँ के घर की तरफ, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि ग्रैंड माँ ली चेन नाम की लेडी से बात कर रही है। फिर यहाँ पर ली चेन ग्रैंड माँ को रो रो के कहने में लगी होती है कि मैं इतने टाइम से यौनजू से प्यार करती हूँ, इवन हमारा बच्चा भी है, लेकिन स्टिल हमने एक दूसरे से अभी तक शादी नहीं करी, जिसके चलते अभी भी हम हैप्पी फैमिली नहीं बन पाए। वेल ग्रैंड मॉ ली चेन आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में वहाँ पर योंजू आ जाता है, जिसे देखकर ली चेन योंजू के सामने काफ़ी अच्छे से पेश आने की कोशिश करती है, बट योंजू ली चेन को भाव तक नहीं देता। वेल योंजू का रूड बिहेवियर देखकर तुरंत ही वहाँ से ली चेन निकल जाती है अपनी बेटी यूली से मिलने के लिए, या फिर मैं ये कहूँ कि यांग से मिलने के लिए। वह ली चेन के जाने के बाद ग्रैंड माँ योंजू को समझाने लगती है कि उसे ली चेन से शादी कर लेनी चाहिए, इतने टाइम से ली चेन जो है कुवारी बैठी हुई है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी तो अच्छी खासी फैमिली भी है, तो तुम्हें इस फैमिली को इस तरह से नहीं तोड़ना चाहिए। जिस पर योंजू ग्रैंड माँ को सीधा जवाब देता है कि वो ली चेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ यूली यानी कि अपनी बेटी को प्यार करता है, और सिर्फ यूली के चलते, क्योंकि ली चेन यूली की माँ है इसी वजह से वो ली चेन को अपने घर में रखा हुआ है। यहाँ पर योंजू आगे कहता है कि उल्टा यूली को तक ली चेन पसंद नहीं है, लेकिन हाँ जिस दिन यूली को ली चेन पसंद आने लगेगी, यानी कि यूली ली चेन को अपनी एज अ मदर एक्सेप्ट कर लेगी, तो उस दिन योंजू भी ली चेन से खुशी खुशी शादी कर लेगा, क्योंकि यूली की खुशी में उसकी खुशी है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर ली चेन यूली से मिलने के लिए गई हुई थी। वेल यहाँ पर हमें ली चेन का काफ़ी कड़वा सच मालूम पड़ता है। एक्चुअली में ली चेन योंजू को क्लब में सोता हुआ देख लेती है, जिसके बाद ली चेन मौके का फ़ायदा उठाते हुए योंजू के बगल में सो जाती है, ताकि योंजू को ये लगे कि वो ली चेन के साथ था पिछली रात। पर स्टिल योंजू को कभी भी ली चेन से वैसी फीलिंग नहीं आई, जिसके चलते योंजू ली चेन को एक्सेप्ट नहीं करता। वेल ली चेन को तो किसी भी कीमत पर योंजू की लाइफ में जाना था, जिसके चलते ली चेन अपनी मॉम के साथ मिलकर प्रेगनेंसी का नाटक करती है। लेकिन यहाँ पर भी योंजू ली चेन को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, जिसके बाद इनके केस में इंटरफेयर करती है योंजू की ग्रैंड माँ। भले ली चेन कितनी भी लालची क्यों ना हो, लेकिन ली चेन के पेट में योंजू का बच्चा है, जिसके चलते ग्रैंड माँ को ली चेन को एक्सेप्ट करना पड़ता है। योंजू की फैमिली में एंट्री लेने के लिए ली चेन ने झूठ तो बोल दिया था, लेकिन अब ली चेन बच्चा कहाँ से लाएगी। पहले यहाँ पर ली चेन की मॉम ली चेन की हेल्प करती है और सारे हॉस्पिटल्स में पता करती है, जहाँ पर रिन की डिलीवरी की टाइमिंग और ली चेन की टाइमिंग बिल्कुल मैच कर रही थी। और यहाँ पर हमें फाइनली ये रिवील होता है कि डॉक्टरों ने ली चेन की मॉम के कहने पर ही रिन को झूठ कहा कि उसका बच्चा मारा गया, और रिन का दूसरा बच्चा सीधा ली चेन की मॉम को सौंप दिया। और यही पूरी की पूरी स्टोरी है कि किस तरह से यूली अपने रियल फादर के पास तक पहुंच पाई। वेल यहाँ पर ली चेन ने भले ही इतने सारे झूठ बोले हो, इतना सारा नाटक करा हो, लेकिन एक नाटक ली चेन करना भूल गई। ली चेन कभी भी यूली को रियल मदर की तरह ट्रीट करी ही नहीं, जिसके चलते यूली को भी ली चेन कभी पसंद नहीं आई। मतलब सीन रिन की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर रिन के असिस्टेंट रिन को इन्फॉर्मेशन देती है कि
आज रात एक ऑक्शन रहने वाला है जिस ऑक्शन में किम जो और जिनी भी आएंगे। जिनी का बहुत जल्द बर्थडे आने वाला है जिसके चलते ऑक्शन में मिलने वाला ज्वेलरी किम जो किसी भी कीमत पर खरीदेगा। वेल, ये बात का पता चलते ही रिन समझ जाती है कि उसे किसी भी कीमत पर किम जो को वो ज्वेलरी नहीं खरीदने देनी, भले ही इसके लिए रिन को किसी भी कीमत पर उस ज्वेलरी को खरीदना क्यों ना पड़ जाए ताकि वो जिनी को उनकी औकात दिखा सके। वेल, जितना कुछ भी रिन अपनी असिस्टेंट से बात कर रही थी ये सारी बातें यूली भी सुनने में लगी हुई थी, जिसके बाद रिन और यूली दोनों के दोनों रेडी होकर तुरंत ही ऑक्शन के लिए निकल जाते हैं। वेल, इतने टाइम बाद जिनी और किम जो रिन को अपनी आंखों के सामने एक बार फिर से देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड थे। साथ साथ यहाँ पर रिन रूम में घुसने से पहले जिनी और किम जो को जला देती है। पहला तो इसलिए क्योंकि रिन ने काफी एक्सपेंसिव ड्रेस पहनी हुई थी जिसकी वजह से मीडिया रिपोर्टर सिर्फ और सिर्फ रिन की ही बात कर रहे थे। साथ साथ यहाँ पर रिन मीडिया रिपोर्टर के सामने ही उल्टा जिनी और किम जो से बात करते करते ये चीज भी रिवील कर देती है कि किम जो किसी टाइम पर उसका फियांसे था, बट उसकी बेस्ट फ्रेंड ने ही उसके फियांसे को छीन लिया। साथ ही साथ यहाँ पर जिनी को ये फील हो रहा था कि रिन के पास तो कुछ भी नहीं है तो उसको कौन भेजेगा इधर का इनविटेशन कार्ड। लेकिन गेस व्हाट, जिनी ये देखकर हैरान थी कि रिन को भी इनविटेशन कार्ड मिला हुआ है और उल्टा रिन को नॉर्मल इनविटेशन कार्ड नहीं मिला बल्कि फैमिली की तरफ से इनविटेशन कार्ड मिला है। वेल, अब अंदर घुसते ही रिन वॉशरूम के लिए निकल जाती है यूली को एक सोफा में बिठाकर। वहीं पे इस ऑक्शन में योंजू भी आया हुआ था यांग के साथ। वेल, यांग को वॉशरूम लग रही थी जिसके चलते यांग भी वॉशरूम की तरफ जाती है। वेल, ऑफ कोर्स वॉशरूम में तो रिन भी थी जिसके चलते यांग और रिन एक बार फिर से एक दूसरे से मिल जाते हैं। लेकिन यांग रिन को कुछ भी नहीं बताती कि वो अभी तक किसके साथ थी। पर रिन यांग को देखकर थोड़ा सा फील करती है कि शायद से यांग की तबीयत खराब है, जिसके चलते रिन असिस्टेंट से कहकर यांग को घर के लिए भिजवा देती है। वहीं पे यूली योंजू को देख चुकी थी, जिसके बाद यूली भी अपने फादर के पास वापस चली जाती है। लेकिन योंजू को कुछ नहीं बताती कि वो अभी तक कहाँ थी। वेल, अब कुछ ही देर में ऑक्शन शुरू हो जाता है जहाँ पर काफी सारी चीजें थी ऑक्शन में, लेकिन किम जो जिनी और रिन उनमें से कुछ भी नहीं लेते। वेल, थोड़ी देर में ज्वेलरी की बोली लगनी शुरू हो जाती है जहाँ पर किम जो और रिन के बीच में काफी बड़ा टक्कर चलता है। लेकिन यहाँ पर किम जो की लिमिट सिर्फ और सिर्फ 20 मिलियन तक की थी और रिन उल्टा यहाँ पर 50 मिलियन तक लगा देती है। बट जिनी अपनी बेइज्जती थोड़ा ना देख सकती थी, अपनी ही दुश्मन को वो ज्वेलरी खरीदता हुआ थोड़ा ना देख सकती थी, जिसके चलते जिनी किम जो को धमकी देने लगती है कि मेरी ही वजह से तुम्हें इतने सारे पैसे मिले हैं, जिसके चलते जिनी भी थोड़ी ज्यादा की बोली लगा देती है। इस टाइम तक रिन को लगने लग गया था कि वो शायद से कुछ ज्यादा ही बोली लगा रही है नॉर्मल सी ज्वेलरी के लिए और इससे जो है रिन के ही पैसे खत्म होंगे और वेस्ट भी होंगे। साथ साथ यहाँ पर इनको लगने लग गया था कि शायद से जिनी इस चीज को जीती जाएगी। बट गेस व्हाट, यूली को मालूम था कि उसकी मॉम यानी कि रिन भी इस ज्वेलरी के बारे में बात कर रही थी और रिन को भी किसी भी कीमत पर इस ज्वेलरी को जीतना था, जिसके चलते उल्टा यूली ही बोली लगा देती है 100 मिलियन की। वेल, ऑफकोर्स योंजू के लिए उसकी बेटी काफी ज्यादा प्रीशियस थी, जिसकी वजह से यूली की बात मानते हुए योंजू तुरंत ही उस ज्वेलरी को खरीद लेता है। यहाँ पर ऑक्शन खत्म होने के बाद यूली योंजू को बताती है कि उसने ये गिफ्ट अपनी मॉम के लिए लिया हुआ है ताकि वो अपनी मॉम को एक सरप्राइज दे सके। लेकिन योंजू के लिए तो यूली की ही खुशी थी। यूली भले ही वो गिफ्ट किसी को भी दे, एट द एंड सिर्फ और सिर्फ यूली खुश होनी चाहिए। जिसके बाद योंजू ऑफिस के लिए निकल जाता है यूली को असिस्टेंट के हाथों सौंप कर। वेल, यहाँ पर यूली असिस्टेंट के कान में कुछ कहती है और उससे कहती है कि तुम फटाफट से मेरा ये काम कर दो। वहीं पे दूसरी तरफ रिन भी ऑक्शन से बाहर निकल ही रही थी कि एक बार फिर से रिन के सामने किम जो और जिनी आ जाते हैं, जिस पर रिन किम जो को टोंट मारने लगती है कि क्या तुम जिनी को प्यार नहीं करते, क्या तुम जिनी के लिए इतनी छोटी सी ज्वेलरी नहीं खरीद पाए। वेल, इस पॉइंट ऑफ टाइम में जिनी भी काफी पक चुकी थी, जिसके चलते जिनी सभी लोगों के सामने रिन की इज्जत उछाल देती है और कहने लगती है कि तुम तो काफी खराब हो, तुम लोगों के साथ सोती हो सिर्फ और सिर्फ इस ऑक्शन में आने के लिए, तुमने पता नहीं किसको सेड्यूस करा था इस ऑक्शन में आने के लिए, अदरवाइज तुम्हें कौन इस ऑक्शन में बुलाएगा। यहाँ पर रिन थोड़ा हारने ही वाली थी कि तभी अचानक से रिन की किस्मत चमक जाती है। तभी अचानक से रिन के सामने आ जाता है योंजू का असिस्टेंट, जो कि रिन के लिए गिफ्ट लेके आया हुआ था और कहने लगा था कि मेरे बॉस ने आपको ये गिफ्ट भेजा है। वेल, शुरुआत में तो लग रहा था कि शायद से जिनी जीत गई है। वेल, जिनी कहने लगती है कि देखो देखो, तुमने तो यहाँ पर भी लोगों को सेड्यूस करना शुरू कर दिया है और तुम्हारे लिए गिफ्ट आने भी लग गए हैं। जिनी को लग रहा था कि वो कोई नॉर्मल सा गिफ्ट होगा, जिसके चलते जिनी तुरंत ही असिस्टेंट से वो गिफ्ट छीनते हुए उस गिफ्ट को खोलना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे उस गिफ्ट के अंदर वो ज्वेलरी देखती है तो हक्का बक्का हो जाती है, जिसके बाद असिस्टेंट भी जिनी के हाथों से वो गिफ्ट छीन लेता है और रिन को वो गिफ्ट सौंप देता है। वेल, जिनी के इस पॉइंट ऑफ टाइम में फट जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स जिसने ये गिफ्ट इतना महंगा खरीदा है तो वो कितना अमीर होगा। साथ साथ वो अमीर इंसान उल्टा रिन को ये गिफ्ट दे रहा है तो रिन की भी वैल्यू बढ़ गई। वेल, अपनी बेइज्जती देखते हुए जिनी और किम जो तुरंत ही वहां से निकल जाते हैं गुस्से में। वेल, इन दोनों के जाने के बाद रिन असिस्टेंट से थैंक यू कहती है, क्योंकि अगर वो यहां पर नहीं आता तो शायद से रिन की ही
बेइज्जती कर देते ये दोनों मिलकर, लेकिन असिस्टेंट के आने की वजह से किमजा और जिनी की बोलती बंद हो गई। साथ साथ यहाँ पर रिन गिफ्ट वापस कर देती है क्योंकि ऑफकोर्स रिन योनजू को नहीं जानती है, ना ही उसे ये मालूम है कि योनजू किस टाइप का इंसान है। साथ साथ रिन वैसे भी उल्टी टाइप की लेडी तो है ही नहीं जो कि महंगे गिफ्ट एक्सेप्ट करे बिना किसी इंसान को जाने हुए। वेल, इसके बाद असिस्टेंट सारी की सारी बातें योनजू को बताता है कि यूली ने उसे ये ऑर्डर दिया था कि वो रिन को जाकर ये गिफ्ट देकर आए, लेकिन रिन ने वो गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करा। भले ही वो इतना महंगा था लेकिन स्टिल रिन ने साफ साफ गिफ्ट लेने के लिए मना कर दिया। वेल, ऑफकोर्स यहाँ पर योनजू को रिन का बिहेवियर काफी मस्त लगता है क्योंकि आज तक उसने ऐसी लड़की नहीं देखी जो कि इतने महंगे गिफ्ट को रिजेक्ट कर दे, और जबकि उसको ये तक बोला गया हो कि ये योनजू ने भेजा है आपके लिए। वेल, अब सीन नेक्स्ट डे पे शिफ्ट होता है जहाँ पर लालची ली चिन योनजू के घर में सुबह सुबह पहुंच जाती है यूली से मिलने के लिए और कहने लगती है कि मैंने सुना आपने अपनी गिफ्ट जो है अपनी मॉम के लिए खरीदा है, तो फटाफट से मुझे वो गिफ्ट दिखाओ। लेकिन यूली ली चिन को साफ मना कर देती है कि मैंने वो आपके लिए गिफ्ट नहीं खरीदा, जिस पर योनजू उतने में वहाँ पर आ जाता है और इस वजह से ली चिन यूली के साथ ज़बरदस्ती भी नहीं कर पाती। वेल, अब चारों के चारों साथ में बैठ कर लंच करने लगते हैं जहाँ पर बातों बातों में यूली ग्रैंडमा को कहने लगती है कि ली चिन ये कह रही थी अगर ग्रैंडमा इतनी जल्दी मर गई तो उसका काम कौन करेगा। वेल, ऑफकोर्स यूली के मुंह से ये बात सुनकर सभी को काफ़ी गंदा लगता है कि ली चिन ऐसा भी बोल सकती है, लेकिन ली चिन कैसे भी करके ये बात टाल देती है। वेल, अब ग्रैंडमा चाहती थी योनजू और ली चिन को कैसे भी करके क्लोज लाना, जिसके चलते ग्रैंडमा तीनों को एडवाइस देती है कि क्यों ना तुम तीनों के तीनों घूमने के लिए चले जाओ। वेल, ऑफकोर्स यूली तो ली चिन के साथ कभी भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन यूली को याद आता है कि शायद से कल उसकी मॉम भी जो है घूमने जाने वाली है, जिसके चलते यूली हाँ कह देती है घूमने के लिए। वेल, नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि जिनी वांग के पास गई हुई थी, जहाँ पर जिनी वांग को इन्फॉर्म करती है कि रिन अभी भी जिंदा है और आसपास ही घूम रही है। वेल, रिन का नाम सुनते ही वांग काफ़ी हाइपर हो जाता है क्योंकि पिछली बार वांग के हाथों से रिन भग गई थी, लेकिन अब वांग रिन को किसी भी कीमत पर नहीं भागने देने वाला। लेकिन वेट, यहाँ पर वांग रिन के साथ कुछ कर पाता इससे पहले वांग जिनी के साथ करता है। यहाँ पर एक तरह से जिनी वांग को अपनी बॉडी सेल कर देती है ताकि वांग उसका काम कर सके। इवन जब वांग जिनी के साथ इंटीमेट भी हो रहा होता है तो जिनी के माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक बात चल रही थी कि कोई बात नहीं, अभी मेरे साथ जो हो रहा है होने दो, लेकिन इसके बाद रिन के साथ और भी ज़्यादा बुरा होगा। मतलब सीन नेक्स्ट डे पे शिफ्ट होता है जहाँ पर योनजू का असिस्टेंट योनजू को रिन की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। वह यहाँ पर योनजू को मालूम पड़ता है कि रिन रिसेंट में ही जो है बाहर से आई हुई है, साथ साथ वो आते ही नान कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट भी बन गई। वेल, ये बात योनजू को काफ़ी अजीब सी लगती है क्योंकि नान कंपनी भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, साथ साथ कल का आया हुआ आदमी आते ही वाइस प्रेसिडेंट कैसे बन सकता है। योनजू को ये लगने लगता है कि शायद से रिन काफ़ी ख़राब टाइप की लड़की है, वो आदमियों को सेड्यूस कर शायद से उनका फ़ायदा उठाती है। लेकिन खैर, योनजू के पास यूली आती है और उसको घूमने चलने के लिए कहती है, जिसके बाद योनजू यूली और ली चिन निकल जाते हैं घूमने के लिए, जहाँ पर रिन और यांग भी मौजूद थे। वेल, यहाँ पर ली चिन भले ही घूमने के लिए जा रही थी, ली चिन लेकिन यहाँ पर काफ़ी ख़राब माइंड से जा रही थी। एक्चुअली में ली चिन ने अपनी मम्मी को बताया था कि योनजू मेरे को भाव ही नहीं दे रहा, जिस पर ली चिन की मॉम ली चिन को आइडिया देती है कि क्यों ना तुम यूली को ही ख़त्म कर दो ताकि उसकी याद में योनजू एक और बच्चा करे। ली चिन को अपनी मॉम का प्लान काफ़ी मस्त लगा था, जिसके चलते ली चिन तुरंत ही यूली को गुम कर देती है। लेकिन यूली काफ़ी तेज़ थी, यूली को मालूम था कि वो कहाँ जा रही है कहाँ नहीं। यूली तुरंत ही भाग कर रिन के पास चली जाती है, लेकिन यूली रिन के करीब नहीं जा पाती क्योंकि यूली दूर से देख लेती है कि रिन ऑलरेडी यांग नाम की एक बच्ची से बात कर रही है, जिसके बाद यूली समझ जाती है कि एक्चुअली में उसकी एक और बहन है जो कि उसकी ही सिमिलर दिखती है, और पिछली बार भी रिन गलती से कन्फ्यूज्ड हो गई थी और यांग के बदले में उसे अपने साथ घर लेके चली गई थी। वहीं पर दूसरी तरफ ली चिन योनजू को बता देती है कि उससे यूली गुम हो चुकी है, जिसके बाद योनजू निकल जाता है यूली को ढूंढने के लिए। फिर यहाँ पर योनजू यूली को फाइनली ढूंढ लेता है, जहाँ पर यूली थोड़ी सी सैड दिखाई दे रही थी। योनजू यूली से सैड होने का रीजन पूछता है तो यूली तुरंत ही रिन की तरफ उंगली करते हुए कहने लगती है कि ये मेरी मम्मी है। वेल, ऑफकोर्स अगर योनजू को क्लब वाली नाइट के बारे में कुछ याद होता तो शायद से योनजू कब का रिन को ढूंढ लिया होता, लेकिन नहीं, योनजू को कुछ याद नहीं था। योनजू के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ रिन की एक ही इमेज थी कि वो लोगों को सेड्यूस करती अपना फायदा उठाने के लिए, और इस टाइम पर भी योनजू को यही लग। यूली की बात सुनते ही योनजू तुरंत ही रिन के पास जाता है और रिन को साफ कह देता है कि तुम मेरी बेटी से दूर रहो, ये मत समझना कि अगर तुम मेरी बेटी को अट्रैक्ट करोगी तो तुम मेरे भी क्लोज आ पाओगी। बट रिन को योनजू की कही हुई एक भी बात समझ नहीं आ रही थी, जिसके चलते रिन तुरंत ही वहां से चली जाती है।
वेल योनजू को यूली मिल गई थी, जिसके चलते लिनचेन का प्लान चौपट हो चुका था। वेल यहाँ पर नेक्स्ट डे यूली योनजू के ऑफिस जाकर रिन की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करती है, जिसमें रिन का एड्रेस भी लिखा था, जिसके थ्रू यूली तुरंत रिन के घर पहुँच भी जाती है। मतलब 5 साल की छोटी सी बच्ची रिन के घर एड्रेस देख कर ही पहुँच गई। वेल अब गेट यहाँ पर यांग खोलती है। ऑफकोर्स यांग भी यूली को देख कर काफ़ी कन्फ्यूज थी, लेकिन यूली के कहने पर यांग रिन को कुछ नहीं बताती और चुपचाप से यूली को घर में ले लेती है। यहाँ पर यांग और यूली दोनों आपस में बात करते हैं, जहाँ पर दोनों को मालूम पड़ जाता है कि दोनों के दोनों ट्विन्स हैं। बट अब इन लोगों को ये नहीं पता कि इनके पेरेंट्स एक दूसरे से सेपरेट क्यों हो रखे हैं। यहाँ पर ये दोनों चाहते तो अभी के अभी अपने पेरेंट्स को सब कुछ बता कर एक कर सकते थे, बट यांग और यूली का मानना ये था कि पहले वो सारे के सारे ऑब्स्टिकल्स को अपनी फैमिली से अलग करेंगे, फिर इसके बाद जो है सभी को सच्चाई बताएंगे। यानी कि जितने भी एनिमी है योनजू और रिन के, उनको ख़त्म करना है इनका पहला प्लान। वेल अब यूली घर जाने से पहले यांग को एक स्मार्ट वॉच पहना के जाती है, ताकि यांग और यूली आपस में बात कर सके। और फिर होना क्या था, एक बार फिर से यूली बिना रिन को बताए चुपचाप से घर से बाहर निकल भी जाती है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि योनजू को कुछ कंपनीज की जरूरत थी उनका काम करने के लिए, जहां पर योनजू का असिस्टेंट योनजू को 5 बेस्ट कंपनी के बारे में बताता है, जिनमें से सबसे बेस्ट कंपनी थी नान की ही कंपनी, जिसके चलते योनजू डिसाइड करता है कि ठीक है वो नान की कंपनी से बात करेगा उनके साथ काम करने के लिए। वहीं पर दूसरी तरफ रिन एक मीटिंग में जा रही थी कि तभी अचानक से वांग उसके सामने आ जाता है। यहाँ पर रिन कोई भी तमाशा लोगों के सामने क्रिएट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि रिन की भी काफी अच्छी खासी रेपुटेशन थी, जिस पर रिन वांग से कहने लगती है कि अगर तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है तो कल सुबह आकर मुझसे बात कर लेना, अभी मैं फ्री नहीं हूँ, मुझे ऑलरेडी किसी क्लाइंट से मिलने जाना है। लेकिन वांग रिन का कोई क्लाइंट थोड़ना था, जिसके चलते वांग तुरंत ही अपने गार्ड्स को बुलाता है और रिन को कार के अंदर बंद कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वांग रिन के साथ कुछ कर पाता, सही टाइम पर एंट्री हो जाती है वापस से हमारे हीरो की, जो कि को बचा लेता है। बस यहाँ पर वांग को योनजू की पोजीशन और पावर के बारे में मालूम था, जिसके चलते वांग योनजू से दुश्मनी नहीं पाल सकता, जिस पर वांग झूठ कहने लगता है कि पता नहीं हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं रिन को किडनैप नहीं करना चाहता था। जिस पर रिन भी तुरंत ही कार से बाहर निकल कर आके कहने लगती है कि पक्का तुम्हें जिनी ने भेजा होगा, वही एक लौती है जो कि तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। वेल यहाँ पर योनजू ने रिन की जान बचाई थी, जिसके चलते रिन के मन में अब योनजू की अच्छी इमेज बनने लग जाती है। साथ ही साथ इस टाइम पर रिन थोड़ी सी बिजी थी, जिसके चलते रिन योनजू से ये कह के वहाँ से निकल जाती है कि नेक्स्ट टाइम आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो आप तुरंत ही मुझे बुला लेना। वेल यहाँ पर रिन ने योनजू से अच्छे वे में कहा था कि अगर आपको किसी चीज में मेरी जरूरत पड़े तो मैं आपकी हेल्प करूंगी, बट योनजू के माइंड सेट तो अलग ही था रिन के लिए, जिसके चलते योनजू को ये लग रहा था कि शायद से रिन उसे भी सेड्यूस करना चाहती है। योनजू के मन में रिन के लिए काफी नेगेटिविटी भरती जा रही थी, जो कि नान बिल्कुल ही अच्छे से ठीक कर देता है। जब योनजू नान के पास जाता है, नान से काफी अच्छे से बात करता है और योनजू को नान का प्रपोजल काफी पसंद आता है, जिसके बाद दोनों के दोनों डिसाइड करते हैं एक साथ काम करने के लिए। वेल यहाँ पर योनजू रिन के बारे में नान से कहने लगता है कि उसे आप मेरे बिजनेस से थोड़ा दूरी रखना। ये बात सुनते ही नान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और योनजू को रिन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। यहाँ पर नान योनजू को बताता है कि रिन के हस्बैंड ने ही उसको पहले ही छोड़ दिया था, जिसके बाद रिन ने खुद से अपने बच्चे को जो है बड़ा करा है। साथ ही साथ यहाँ पर योनजू को नान ये भी बताता है कि एक्चुअली में रिन उसे रेंडमली ऐसी ही मिल गई थी, लेकिन उसने देखा कि रिन काफी कैपेबल है, जिसके चलते मैंने उसे अपनी बेटी की तरह मान लिया और उसे इस पोजीशन में डाल दिया। नान की बातें सुनने के बाद फाइनली योनजू के मन में जितनी भी गंदगी भरी हुई थी वो मिट चुकी थी। यहाँ पर योनजू को मालूम पड़ गया था कि रिन ऐसी वैसी लड़की नहीं है, वो लोगों को सेड्यूस नहीं करती है। उल्टा रिन ने पोजीशन हासिल करने के लिए काफी मेहनत करी और इवन नान और रिन का रिश्ता ऐसी गंदा फंदा रिश्ता नहीं है, बल्कि पापा और बेटी का रिश्ता है। वेल अब वहीं पे दूसरी तरफ लिनचेन अपनी मॉम के साथ घूमने के लिए गई हुई थी कि तभी अचानक से लिनचेन की नज़र रिन और यांग पर पड़ती है, जहाँ पर यांग और रिन काफ़ी अच्छे से एक दूसरे से बात कर रहे थे। यहाँ पर लिनचेन कंफ्यूज थी कि यूली रिन के साथ क्या कर रही है, जिसके बाद लिनचेन तुरंत ही घर में कॉल मिलाती है और पूछने लगती है कि इस टाइम पर यूली कहाँ पर है। वेल यहाँ पर मेड का कहना ये था लिनचेन को कि यूली तो अभी घर पर ही है, जिसे सुन लिनचेन समझ नहीं पाती कि ठीक उसके सामने जो बच्ची मौजूद है फिर वो कौन है। तभी अचानक से लिनचेन की मॉम को याद आता है कि जब वो डॉक्टर के पास यूली को चुराने के लिए गए हुए थे, तो डॉक्टर ने लिनचेन की मॉम को बताया था कि यूली जिसकी बेटी है उसके ट्विन्स हुए हैं। जिसे सुनने के बाद लिनचेन और लिनचेन की मॉम समझ जाते हैं कि ये औरत वही है जो कि यूली की असली माँ है। वेल ये बात का पता चलते ही लिनचेन काफी घबरा जाती है, क्योंकि ऑफकोर्स अगर लिनचेन के बारे में सभी को असलियत मालूम पड़ गई तो 2 मिनट में वो लिनचेन को इधर से भगा देंगे। लिनचेन को घबराता
हुआ देख एक बार फिर से लिनचेन की मॉम लिनचेन को काफ़ी गंदा सा आइडिया देती है। यहाँ पर लिनचेन की मॉम का आइडिया ये था कि अगर लिनचेन नहीं चाहती कि उसके गंदे कारनामों के बारे में किसी को मालूम पड़े तो इससे पहले ही लिनचेन को रिन को ख़त्म कर देना चाहिए ताकि ना बचेगी रिन ना ही खुलेगी लिनचेन की असलियत। वेल नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं वांग को जो कि काफ़ी गुस्से में था क्योंकि जिनी की वजह से अभी अभी उसकी जान बचते बचते बची है। अगर बाई चांस यौन जू वांग को नहीं छोड़ता तो ऑफकोर्स वांग का पूरा लाइफ बर्बाद हो जाता। यहाँ पर वांग जिनी पे चिल्लाने लगता और कहता है कि तुम्हें क्या मालूम नहीं था कि रिन योंजू के लोगों में से एक है। जिसके बाद अभी वांग काफी गुस्से में था और वो रिन से अपना बदला पूरा नहीं ले पाया था जिसके चलते वांग अब जिनी का यूज करता है और जिनी के साथ इंटीमेट हो जाता है। वेल अब नेक्स्ट डे योंजू रिन की कंपनी में जाता है जहाँ पर रिन योंजू के सामने काफी अच्छे से प्रेजेंटेशन करती है। यहाँ पर योंजू को फाइनली फील होता है कि हाँ रिन कैपेबल है वाइस प्रेसिडेंट बनने के, रिन का वर्क काफी ज्यादा अच्छा है। वेल इसके बाद योंजू रिन को उसके घर तक छोड़ने जाता है जहाँ पर हम देख पाते हैं दो गुंडों को जो कि काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं रिन के आने का क्योंकि वो रिन को मारना चाहते हैं। और आप लोग समझ गए होंगे कि इन गुंडों को किसने भेजा है। वेल ऑफ कोर्स इन गुंडों को और किसी ने लिनचेन ने भेजा है। वेल अब जब योंजू रिन को घर तक छोड़ने जा रहा था तो दोनों के दोनों आपस में काफ़ी सारी बातें करते हैं। वेल यहाँ पर दोनों को मालूम पड़ता है कि इन दोनों की बेटियाँ 5 साल की है। साथ साथ यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि रिन की बेटी थोड़ी शरारती है, वहीं पर योंजू की बेटी काफ़ी पढ़ाकू टाइप की है। अब कुछ ही देर में बात करते करते ये लोग घर तक पहुंच जाते हैं। वेल योंजू रिन को उसके पार्किंग तक छोड़ने जाता है जहां पर दोनों के दोनों आपस में अभी भी बात करने में लगे हुए थे कि तभी अचानक से योंजू और रिन के सामने एक स्पीड में गाड़ी आती है। वेल ये गाड़ी इन दोनों को ठोक पाती कि सही टाइम पर इन योंजू को दूसरी साइड धक्का दे देती है और अपना भी दूसरी साइड कूद जाती है। वेल इस चीज की वजह से योंजू भी बच जाता है और रिन भी बच जाती है, लेकिन हाँ रिन के पैरों में हल्की सी मोच आ जाती है। वेल ऑफ कोर्स रिन के पैरों में मोच आई हुई थी जिसके चलते रिन से चला भी नहीं जा रहा था। और एज यूजुअल हर हीरो की तरह योंजू तुरंत रिन को अपनी गोदी में उठा लेता है और फिर होना क्या था, रिन योंजू को एक तरफ से देखती रह जाती है और पहली बार रिन नोटिस करती है कि हाँ योंजू असलियत में काफी ज्यादा स्मार्ट है। लेकिन योंजू भी समझ गया था कि रिन उसे ही देख रही है, जिस पर योंजू रिन के मुंह पे कह देता है कि तुम मुझे इस तरह से मत देखो, जिसके बाद योंजू आराम से रिन को उसकी गाड़ी में बैठाता है। यहाँ पर योंजू रिन को सिर्फ और सिर्फ गाड़ी में नहीं बिठाता बल्कि अच्छे से रिन के पैरों में फर्स्ट एड करता है। जब योंजू ये सब कुछ कर रहा था तो रिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि योंजू एक बॉस होकर भी उसके पैरों में मालिश कर रहा है, जिस पर योंजू रिन को मुंह पे साफ साफ कह देता है कि क्या हुआ, वैसे भी मैं बॉस हूँ कंपनी में, असलियत में तो मेरी भी एक फैमिली है और मेरी बेटी के भी पैरों में कभी ना कभी चोट लगेगी ही लगेगी। वेल यहाँ पर जिस तरह से योंजू बातें कर रहा था उसके चलते रिन को एक बार फिर से योंजू से प्यार हो जाता है। वेल अब कुछ ही देर में रिन के असिस्टेंट वहाँ पे पहुंच जाती है, जिसके बाद रिन अपनी असिस्टेंट को तुरंत ही ऑर्डर देती है जल्द से जल्द पता करके आने के लिए कि किन्होंने उस पर हमला करने की कोशिश की। वहीं पे दूसरी तरफ किमजो काफी टेंशन में था क्योंकि उसकी बीवी काफी टाइम से घर नहीं आई थी कि तभी अचानक से वांग का कॉल आता है किमजो को जो कि किमजो से पैसों की मांग करता है। यहाँ पर किमजो के पास पैसे नहीं थे जिसके चलते किमजो के पास लास्ट ऑप्शन बचा था रिन से हेल्प मांगने का। वेल यहाँ पर किमजो रिन के पास तो चले जाता है लेकिन बिल्कुल भी दुखी होकर नहीं जाता, उल्टा अपनी आंखों में आई ड्रॉप्स डाल लेता है ताकि वो रिन के सामने नकली का रोना करे। साथ साथ यहाँ पर किमजो रिन के सामने नील डाउन भी हो जाता है और ऑफ कोर्स रिन के मन में थोड़ा बहुत तो किमजो के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था ही था, जिसके चलते रिन तैयार हो जाती है किमजो की हेल्प करने के लिए। जिसके चलते जैसे ही वांग एक बार फिर से जिनी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है कि सही टाइम पर वहां पर पुलिस आकर वांग को गिरफ्तार कर लेते हैं और फाइनली किमजो जिनी की जान बचा लेता है। मतलब नेक्स्ट सीन में हम यांग और यूली को एक साथ देख पाते हैं जो कि प्लान बना रहे थे कि किस तरह से वो अपने मम्मी पापा को एक कर सके, जिसके बाद धोना क्या था ये लोग प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं। वेल यहाँ पर यांग जो है तुरंत ही रिन के वॉशरूम जाते ही उसके फोन से मैसेज कर देती है योंजू को और इसमें ये लिखती है कि कल आप मुझसे मिलने आना। वेल अब नेक्स्ट मॉर्निंग रिन के सामने वही गुंडा आता है जो कि रिन और योंजू को मारने की सोच रहा था। वेल यहाँ पर रिन को वो गुंडा साफ साफ बता देता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने आपको मारने की कोशिश की, मैंने यहाँ पर ये सब कुछ लिनचेन के कहने पर करा था बट मैं लिनचेन का काम पूरा नहीं कर पाया, जिसके चलते उन्होंने मेरे को पैसे देने के लिए मना कर दिया और जब मैं उनसे लड़ने बैठा तो उन्होंने मेरे भाई को ही ख़त्म कर दिया, तो मैं चाहता हूँ आप उनको ढंग से सबक सिखाओ। वेल ऑफ कोर्स उस गुंडे की भी काफ़ी बड़ी गलती थी क्योंकि उसने उन्हें मारने की कोशिश की, जिसके चलते रिन तुरंत ही उसे पुलिस के हाथों गिरफ्तार भी करवा देती है। जिसके बाद रिन अपनी असिस्टेंट से कहती है लिनचेन की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए क्योंकि रिन की लाइफ में लिनचेन नाम का कोई भी पर्सन दूर दूर तक एक्सिस्ट नहीं करता। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यांग और यूली की अजीब भरी हरकतों को। वेल यहाँ पर सबसे पहले तो यूली जब अपने फादर के साथ ऑफिस तक पहुँचती है तो तुरंत ही इस इन्फॉर्मेशन को यांग तक पहुँचा देती है। जैसे यांग को मालूम पड़ता है कि
की फादर पहुंच चुके हैं ऑफिस तक, जिसके बाद यांग तुरंत ही भागते हुए रिन के पास जाती है और रिन को एक रूम तक लेके जाती है। वेल यहाँ पर यांग रिन को रूम में लेके जाने के बाद कहने लगती है कि मैंने आपके लिए एक प्रेजेंट रखा हुआ है, तो मैं तुरंत ही उसे लेके आती हूँ, जिसके बाद यांग तुरंत ही वहीं से भाग जाती है। वेल अब यांग का काम हो चुका था, जिसके बाद एक बार फिर से यूली काम पे लग जाती है। यहाँ पर सबसे पहले यूली असिस्टेंट से कहती है कि आज का सारा काम खत्म हो चुका है तो आप घर जा सकते हैं, जिसके बाद यूली जाती है योनजुन के पास और योनजुन से कहने लगती है कि रिन ने आपको उस साइड बुला रखा है, जिसके बाद यूली हाथ पकड़ कर अपने फादर को उस रूम तक लेके जाती है और तुरंत ही अपने फादर को रूम में धक्का देकर बाहर से गेट बंद कर लेती है। मतलब आप लोग इमेजिन करो, 5 साल के छोटे छोटे बच्चे वो अपने मम्मी पापा को अकेले रूम में घुसा रहे हैं और उन्हें ये भी मालूम है कि अगर ये लोग अकेले में घुसे रहेंगे तो ऑफकोर्स ये लोग क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर पाएंगे। वेल ऑफकोर्स रिन और योनजुन दोनों को एक रूम में देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड थे और ऊपर से रूम का गेट भी बंद था, तो दोनों के बीच में काफी ऑकवर्ड मोमेंट सा क्रिएट हो जाता है, जिसके बाद रिन तुरंत ही असिस्टेंट को कॉल लगाने लगती है ताकि कोई आकर ऑफिस का गेट खोल सके, लेकिन इतने कॉल करने के बावजूद भी कोई भी रिन का कॉल पिक नहीं करता। और फिर होना क्या था, रिन कॉल लगाती रह जाती है और ऐसी रात बीत जाती है, बट स्टिल अभी तक किसी ने भी रिन का कॉल पिक नहीं करा, जिसके बाद रिन तुरंत ही अपनी बेटी यांग को कॉल मिलाती है ताकि एटलीस्ट यांग आकर उनका गेट खोल दे, बट उल्टा यांग अपनी मम्मी को साफ मना करती है और कहती है कि मैंने जानबूझ के आप दोनों को रूम में बंद करा है ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सके, क्योंकि मैं योनजुन को ही अपना फादर एक्सपेक्ट करती हूँ बनाना। वेल यांग के मुँह से ऐसी बातें सुनने के बाद रिन को काफी शर्म आने लगती है। वेल ऑफकोर्स वो किस मुँह से योनजुन को बताएगी कि वो रूम में क्यों बंद है, अब रिन डायरेक्टली थोड़ा योनजुन से कहेगी कि नहीं मेरी बेटी ने जानबूझ के बंद करा है, वो चाहती है कि आप उसके पापा बन जाओ, जिसके चलते रिन योनजुन को कुछ भी नहीं बताती। वेल यहाँ पर रिन योनजुन से कहने लगती है कि क्यों ना तुम किसी को कॉल मिलाकर गेट खुलवाने की कोशिश करो, लेकिन गेस व्हाट, योनजुन तो अपना फोन लाना ही भूल गया था। वेल यहीं पर हमारे पार्ट एंड होता है। वेल नेक्स्ट पार्ट में ही हमें मालूम पड़ेगा कि दोनों के दोनों कमरे में बंद है और कुंडी लग जाए के बाद क्या होने वाला है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी अपलोड कर दूं। तो तब तक के लिए बाय।